आरसीबी टीम के अहम खिलाड़ी शहबाज अहमद ने आरसीबी पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा, 2020 की नीलामी के दौरान वे कंधे की चोट से जूझ रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी टीम उन्हें खरीदे, क्योंकि अनफिट रहने पर पूरा सीजन बेकार जाता। इसलिए पहले राउंड में जब किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा तो वे काफ़ी खुश हुए और टीवी बंद कर दिया। शहबाज ने कहा, टीवी बंद करने के बाद मैं काफ़ी सहज महसूस कर रहा था और इस बात के लिए निश्चिंत था कि कोई भी टीम मुझे नहीं खरीदने वाली। तभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन कर मुझे बताया कि आरसीबी ने मुझे खरीद लिया है। सच कहूँ तो मुझे इस बात का यकीन ही नहीं था कि आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी मुझे खरीदेगी। शहबाज ने आगे कहा, 2020 में जब आरसीबी ने मुझे खरीदा तो मैं काफ़ी खुश था, लेकिन तब के कप्तान विराट कोहली से मुझे काफ़ी डर भी लगता था। चोट के कारण मुझे फील्डिंग में परेशानी होती थी और विराट कोहली फिटनेस और फील्डिंग को लेकर सख्त रहते हैं, इसलिए मुझे इस बात का डर था कि मैं कहीं कुछ गलत न कर जाऊं। लेकिन कोविड के दौरान मैंने ऑपरेशन करवाया और उसके बाद से आरसीबी के साथ मेरी यात्रा काफ़ी अच्छी रही है। बता दें कि शहबाज अहमद बतौर ऑलराउंडर बेंगलोर में खेलते हैं।